हेलो स्टूडेंट्स, ओके सब शुरू करें। हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे और हमारे इस वीडियो पे। ये वीडियो बनाया गया है कि आप लोग किस प्रकार से ऐप के थ्रू अपना मॉक टेस्ट जो है वो दे सकते हैं और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बताता हूँ जिसके थ्रू आप लोग मॉक टेस्ट को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ जिसको मॉक टेस्ट जो है वो चाहिए। आगे चल के और भी सीरीज पे आएंगी बहुत सारी। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर को ओपन करना है, ठीक है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद तो सर्च करने के बाद इसमें थोड़ा सा स्पेस भी डालो आप लोग, शिक्षा शिक्षा SADN शिक्षा सदन, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये थर्ड स्टेप पे जो ऐप आ रहा है ना यहाँ पे, देखो इंजीनियरिंग एजुकेशन का, तो इस पर टिक करना है आपको, ऐसे ओपन करना। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, इसका लोगो देख लो आप लोग, मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो आप लोग इसको, मैं सीधे ओपन कर रहा हूँ उसको, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि कुछ इस प्रकार का इन फ्रंट आ जाएगा। मैंने एक बच्चे की ID से इसको लॉगिन कर रखा है। सामने जैसे ही आप देखोगे ना, आपको सारा का सारा वो दिख जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, सीधे सीधे असाइनमेंट के सेक्शन में जाना है। यहाँ पर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ऑनलाइन असाइनमेंट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं चेंज करता हूँ, अगर अगर चेंज होता हो तो ये मूव नहीं होगा एक्चुअली, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑनलाइन असाइनमेंट का सेक्शन दिखेगा आपको। देखो जैसे ओपन करते हो यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा। रजिस्टर करने के बाद यहाँ ये लगाया हुआ है। नीचे आप लोग आओगे यहाँ पे, तो असाइनमेंट के सेक्शन में अगर आप लोग आते हो यहाँ पे ऑनलाइन असाइनमेंट में, लाइब्रेरी के जस्ट नीचे, लाइब्रेरी के जस्ट नीचे ऑनलाइन असाइनमेंट में टिक करोगे आप लोग। और यहाँ पे आने के बाद आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे क्लैरिटी नहीं आ रही थोड़ी सी। एक तो होमवर्क है, दूसरा टेस्ट है, और तीसरा आपका अटैचमेंट्स है। तो आपको टेस्ट पे जाना, सेंटर वाले पे, ठीक है। यहाँ पे दो टेस्ट आपको दिख रहे हैं। देखो अभी फिलहाल दिख रहा है SSC GD मॉक टेस्ट और करंट अफेयर्स जुलाई का दे रखा है, टॉप 200 का। आपको टेस्ट को ओपन कर लेना है, यहाँ से आप टेस्ट को अवेल कर सकते हो। जैसे मान के चलिए मैंने कोई भी टेस्ट ओपन कर लिया ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा, आर यू श्योर आई वॉन्ट टू स्टार्ट द टेस्ट। आप इसे अगर यस करते हो तो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और चूंकि अब ये टेस्ट जो है बेसिकली, इसमें आपको दिख रहा है इसमें 93 क्वेश्चंस हैं और ये चार इस कैटेगरी में डिवाइड है। 1x1 आप इसको मार्क फॉर रिव्यू, जैसा पेपर में जस्ट होता है मार्क फॉर रिव्यू, क्लियर रिस्पॉन्सेज, सेव एंड नेक्स्ट, ये सारे ऑप्शन आपको आ जाएंगे। और चूँकि ये 1.5 घंटे का टेस्ट है तो रनिंग टाइम चलता रहेगा। और ये करने के बाद टेस्ट को जो है वो सबमिट यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर आ रहा है रिज्यूम का ऑप्शन आ रहा है और सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप सबमिट भी कर सकते हो, रिज्यूम भी कर सकते हो, ठीक है। और ये करने के बाद मान लीजिए मैंने आपने सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद आपको फिर इसका रिजल्ट कैसे मिलेगा वो चीज़, तो सबमिट करने के बाद आपको बैक आना है वापस और आपको एनालिसिस के सेक्शन में, यहीं पे देखो जहाँ पे लाइब्रेरी के नीचे था ना, उसी के नीचे एनालिसिस का सेक्शन है ये वाला, उस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ टेस्ट वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे 15% लिखा हुआ है, यहाँ पे बगल में टेस्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर स्क्रीन पे दिख रहा है, विजिबल है, ये दिख रहा है फ़ोन में, तो यहाँ पे आपको ना टेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे टेस्ट पे आपको टिक कर देना है और आपको डिफ़ॉल्ट बैच सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने यहाँ पे कोई कोर्स बाय नहीं किया तो आप डिफ़ॉल्ट बैच में आ जाएंगे। तो यहाँ पे करने के बाद जैसे मैंने अभी अभी जो टेस्ट लगाया है जस्ट, उसकी मैं डिटेल्स यहाँ से देख सकता हूँ, ठीक है। तो ये डिटेल्स खुल जाएंगी सारी की सारी, क्या क्या एनालिसिस है, सारे मार्क्स वगैरह सब कुछ आ जाएंगे यहाँ पे आपके, ठीक है। तो अब जैसे नॉट अटेम्प्टेड है ना, सारे क्वेश्चन खुल जाएंगे और विथ सॉल्यूशन खुल जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने ये पुराना वाला, ये पुराना वाला टेस्ट है, नया वाला देखता हूँ मैं जो मैंने अभी अटेम्प्ट किया है। तो देखिए अभी अभी जो मैंने टेस्ट अटेम्प्ट किया ना, इसमें मैंने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, सबमिट करा दिया था, ठीक है। तो नॉट अटेम्प्टेड भी सारे लिखे आ रहे हैं और सारे डिटेल्स आ रही है, ठीक है। इसमें आपका आंसर, अब देखिए ध्यान से इसमें क्या क्या आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है, ऑप्टेन मार्क्स आ रहा है, और टाइम टेकन, तो जो जितना टाइम आपने एक क्वेश्चन में लिया वो भी लिखा आ जाएगा, आपके क्या आंसर था वो भी लिखा आ जाएगा, और कितने क्या इसका करेक्ट आंसर वो भी लिखा आ जाएगा, ठीक है। सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई आ जाएंगी। इसके अलावा गाइज और थोड़ा सा आप लोग देखोगे यहाँ पे आओगे, आपको चैट बॉक्स में, यहाँ पे ऐप के चैट बॉक्स में जो है आपको टेस्ट के PDF वगैरह जो है ना आपको मिल जाएगी, यहाँ पे सारी चैटिंग्स मिल जाएगी। तो जैसे मैंने GD का टेस्ट का लिया था तो उसका PDF मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया था, वहाँ से ग्रैब कर सकते हो। और हमारे यूट्यूब चैनल पे इसी ऐप में हमारा ये जो लिंक दे रखे हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स के, ये वाला यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और हमारी वेबसाइट का, तो आप यहाँ से यूट्यूब पे भी जा करके जो है
सॉल्यूशन इसका देख सकते हो। देखो हमारा सीधे सीधे चैनल खुल जाता है, इसके बाद वो लिंक पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाते हो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। और यहाँ से आप प्लेलिस्ट में आकर वन बाई वन सारी वीडियोस को अवेल कर सकते हो। करंट अफेयर्स भी चल रही है, टेस्ट के डिस्कशन भी चल रहे हैं। तो इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, बने रहिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है। काफ़ी मेहनत मैं कर रहा हूँ, काफ़ी आप लोग भी पूरे ईमानदारी से मेहनत कीजिए और सॉल्यूशन जरूर देखना इसका, क्योंकि इसका डिस्कशन में ही मज़ा है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अगर कोई डाउट है तो आप इंक्वायरी वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं मुझे, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रखा है और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू। शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन।